ये देखो मेन गेट था, ये वाली मेन गेट बंद है भाई। सी और स्लीपर वाला है भाई, तत्काल टिकट कटने वाला जगह, क्योंकि इसको भी फीवर आ गया था फ़ोन को, इतना ज़्यादा गर्म हो चुका था। और फिर कैमरा ऑटोमेटिक से टाइमिंग ले लिया था बंद होने का। ये देखो ये वाली वेटिंग हॉल है, और तो अभी अपना इंडिकेटर लग चुका है, मस्त वाला इंडिकेट कर रहा है। और अब तक इतना ज़्यादा पानी नहीं था, बहुत ही कम पानी था, जो पिलर दिख रहा है ना सारा पिलर नीचे तक दिख रहा था। तो जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। तो गाइस अभी अपन लोग जा रहे हैं राजगीर रेलवे स्टेशन, क्योंकि गाइस अपन लोग नालंदा से बिलोंग करते हैं, और अपन लोग आज तक मैं अपना लाइफ में बोले तो एक बार भी राजगीर का रेलवे स्टेशन नहीं गया। एक बार भी नहीं होता है ना कि कोई एक बार भी जाता है, बट अपन लोग एक बार भी नहीं गए हैं जब से अभी तक, बचपन से अभी तक रह रहे हैं ना, लेकिन एक बार भी नहीं गए। तो आज अपन लोग सोचे यार चलो, हम तो नहीं गए और आप लोग भी शायद कई लोग में से नहीं गए होंगे, तो आज अपन लोग सोचे आज अपना पहला टूर होगा राजगीर रेलवे स्टेशन का, और उसी बहाने आप लोगों को भी दिखा देंगे राजगीर रेलवे स्टेशन और अपन लोग भी देख लेंगे। तो इसी बात पे अपन लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट, और फिर यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट रेलवे स्टेशन की ओर, राजगीर रेलवे स्टेशन। तो चलो मैं अभी अपन लोग निकलता हूँ, और फिर वहाँ पे जाके ना आपको सारा कुछ दिखाएंगे कैसा रेलवे स्टेशन है। हालांकि मेरे को कुछ भी नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है कि कैसा रेलवे स्टेशन है, बट फिर भी अपन लोग निकल चुके एक नया दौर पे, एक नया टूर पे राजगीर रेलवे स्टेशन का। तो चलो अभी अपन लोग चलते हैं स्टेशन की ओर। मेरे साथ अभिषेक है, और फिर अभिषेक बाइक राइड कर रहा, और अभी अपन लोग पीछे बैठ चुके हैं। हाई कर दे भाई, यल्लो भाई बाइक चलाते हुए हाई। और इधर देखो ना, तो अभी अपन लोग नालंदा पहुंच ही चुके हैं, लंचे में पहुंच चुके हैं, और फिर ये फोर लेन का व्यू देखो। सो भाई ये देखो राजगीर एंट्री के साथ हिल्स होटल भाई, मतलब ये ना मेरे को ये होटल में ना अपने को भाई मतलब जानी है यार, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा इधर राजगीर का ना सबसे मस्त वाला ये वाला मेरे को रिजॉर्ट लगा है। और फिर यहाँ पे मैरिज भी होता है, सारा कुछ होता है, तो इसमें अपने को एक बार तो जानी है यार सेवन हिल्स में। और फिर रोड देखो काफ़ी भयानक भयानक सा है यार, मतलब इसमें जीप भी सारा कुछ है। और ये होटल दनियावा मछली वाले भाई, ये तो दनियावा में ये सब होटल है ना, तो इधर क्या कर रहा है भाई। तो फाइनली भाई अभी अपन लोग सिलाव पहुँचे, और फिर ये देखो खाजा। तो अपन लोग ना कल का वीडियो ना, जो भी नेक्स्ट इसके बाद वीडियो लाएंगे ना, अभी राजगीर के बाद ये जो वीडियो पोस्ट होगी ना, इसके बाद अपन लोग सिलाव का ही सोच रहे हैं, तो सिलाव का ही लाएंगे, क्योंकि सिलाव का खाजा भाई काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और फिर अपने को खाने का उतना मन नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल, बट आएंगे, मेरे को नमकीन वाला ज़्यादा पसंद है, तो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में ना खाजा वाला लाएंगे वीडियो, तो आप लोग उसका वीडियो जरूर देखना गाइस, क्योंकि खाजा वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाला होगा। सो भाई ये देखो इधर भी फ्लाईओवर बन रहा है राजगीर की तरफ, काफ़ी भयानक वाला बन रहा है इधर भी। इसके पिछले के पिछले वाले सरस्वती पूजा में ना अपन लोग ये मंदिर आ गए, ये वाली मंदिर दिख रही है, अपन लोग यहीं पे विसर्जन करने के लिए आए थे सरस्वती माता को, बट उस टाइम अपन लोग नहाए नहीं थे, बट इस साल अपन लोग जो भी फैम में थे ना सरस्वती पूजा, उससे अपन लोग गांव में विसर्जन किए, उससे मस्त वाला नहाए थे। और फिर ये देखो अपन लोग यहाँ पे किए थे विसर्जन, इसके पहले के पहले वाले में, ये जो अभी हुआ ना इसके जस्ट पहले वाले सरस्वती पूजा में अपन लोग यहाँ विसर्जन के लिए आए थे, यहीं पे किए थे विसर्जन। उस टाइम इतना ज़्यादा पानी नहीं था, बहुत ही कम पानी था, जो पिलर दिख रहा है ना सारा पिलर नीचे तक दिख रहा था। अभी देखो यार पूरा भर चुका है पानी, और इधर भैंस अपना डुबकी लगाया हुआ है। और यहाँ ना पुलिस का चेकिंग काफ़ी टाइम रहता है, बट अभी दोपहर का टाइम है, तो शायद अभी चेकिंग नहीं है उतना, कोई पुलिस है ही नहीं अभी तो, बट शाम का टाइम में और मॉर्निंग का टाइम है, दो टाइम में बड़ा भयानक वाला चेकिंग यहाँ पे होता है भाई। तो विदाउट हेलमेट कोई भी आने का कोशिश बिल्कुल भी मत करना गाइस, यही मेरा सलाह होगा। और फिर ये देखो आगे से 2 किलोमीटर रेलवे स्टेशन है अपना, और टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन 2 किलोमीटर आगे पर्यटक का, जो क्योंकि राजगीर में ना काफ़ी ज़्यादा पर्यटक आते हैं, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए राजगीर और नालंदा, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड में। और फिर अपना पहला रेलवे फाटक क्रॉस करेंगे, और सारे एक और होगा वो भी क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद राजगीर का रेलवे स्टेशन। ख्याल से आज तक तो कभी रेलवे स्टेशन आए नहीं है, बस रास्ता पता अपने को इधर से रेलवे स्टेशन जानी है। सो भाई बड़ा ही कन्फ्यूजन हो गया भाई, फर्स्ट टाइम आपको कन्फ्यूजन
इधर ही कन्फ्यूजन हो गया है, बट मेरे को लग रहा था यही आस पास में कहीं से एंट्री है रेलवे स्टेशन का, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन में। हाँ ये देखो रेलवे स्टेशन लिखा हुआ है, राजगीर रेलवे स्टेशन ये लिख रहा है ना। तो अभी अपना इंडिकेटर लग चुका है मस्त वाला, इंडिकेट कर रहा है और अपन लोग राइट टर्न ले रहे हैं धीरे धीरे। हाथ भी देना बहुत ज़रूरी है, तो अपना हाथ भी दे दिए भाई। और फिर ये सामने देखो, ये भाई सामने रेलवे स्टेशन, भाई पटना का जैसा है ना जंक्शन, वैसा ही सेम प्रिंट है सामने के साइड स्टेशन भी, रेलवे स्टेशन यहाँ का भी सेम कलर और सेम डिजाइन है, बस वहाँ का थोड़ा सा बड़ा सा एकदम बना हुआ है और फिर ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है देखने में, बट फिर भी जो भी लग रहा है काफ़ी मस्त लग रहा है सामने से यार। ये देखो अब दिख रहा है ना भयानक वाला, सामने एक साइड बाइक पार्किंग और फिर अंदर रेलवे स्टेशन, भाई मतलब काफ़ी धांसू लग रहा है। और फिर ये क्या बन रहा है, अच्छा फोर व्हीलर, ये सब जाने का रास्ता काफ़ी मस्त हो रहा है। यहाँ पे मैं भी शायद कुछ देगा बॉक्स वॉक्स बनाए कुछ ऐसा ही। और देखो यार जगह तो काफ़ी हेवी है, और फिर वो फ्लाईओवर उधर का स्टेशन का, और ये अपना राजगीर का रेलवे स्टेशन भाई, मतलब बाहर से तो काफ़ी भयानक लग रहा है, मस्त लग रहा बाइक। यहाँ पे अंदर भी एंट्री होगा ना शायद बाइक का, मैं भी उधर देख लो शायद, एक बार जाके देख लेते हैं अपन लोग। तो अपना बाइक मस्त वाला यहाँ पे पार्क हो जाएगा, क्योंकि यार धूप काफ़ी ज़्यादा है, गर्म हो जाएगा बहुत ही भयानक वाला। ये लो भाई एलिवेस्टर, और एलिवेस्टर के बगल में अपना बाइक। तो अभी अपन लोग एंट्री किधर से लेंगे, इधर से तो एंट्री है नहीं, तो अपन लोग मेन गेट से ही लेंगे, उधर से एंट्री लेंगे। भाई बंद किया हुआ है सारा कुछ इधर से, तो इधर से अपन लोग एंट्री ले लेंगे, ये बोल रहे हैं बंद है। ये देखो इधर से सारा कुछ बंद है, कोई भी ना जाबे इधर से, तो अपन लोग इधर से ही एंट्री लेते हैं। यहाँ से सामान निकल रहा है फिर भी इधर से अंदर जाते हैं, ये कौन सा ट्रेन है। सो भाई एंट्री तो ले चुके हैं, मस्त लग रहा है। सरंजीवी है क्या, राजगीर न्यू दिल्ली है, देखो सरंजीवी अभी आई है यहाँ पे, 1 बज रहा है 1 बजे राजगीर पहुँची है। और ये देखो यहाँ पे भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये 1 नहीं सॉरी, ये देखो कितना बज रहा है, 12:36 बज रहा है, मतलब 12:30 हो रहा है। और फिर ये अपना सरंजीवी भाई, ये देखो मैं दिख रहा हूँ शायद दिख रहा होऊंगा। और फिर इधर देखो कुछ यहाँ का वर्कर जो भी स्टाफ है ना इस ट्रेन का वही है। और फिर ये प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा है देख रहा है, ये देखो पैसेंजर का भाई, मतलब मेरे को लगा नहीं था इतना सारा पैसेंजर यहाँ भी रहते होंगे राजगीर में, बट यार स्टेशन काफ़ी साफ लग रहा है। 12:37, धूप के कारण वैसा चिलचिलापन आ रहा था, बट सामने से आने के बाद ना सही है। ये देखो खाजा यहाँ भी भाई, ये क्या है खाजा यहाँ भी स्टेशन पे भी सही है। ये देखो सारा पैसेंजर, और फिर ये अपना सरंजीवी का, और फिर आगे होगा फर्स्ट एसी एकदम H+ करके होता है ना वही वाला, और फिर सारा पैसेंजर। इस पर टोटल प्लेटफॉर्म कितना है मेरे को पता नहीं, अभी देखते ना ऊपर चढ़ के। एक प्लेटफॉर्म ये है और कितना होगा, राम सॉर्थ राय भेंडिंग कोचिए कॉन्ट्रैक्टर है। ऊपर देखो भाई फोटोज वोटोज खिंचाया जा रहा है, और फिर सामने की साइड पहाड़ का व्यू देख रहे हो स्टेशन से ही, सामने मस्त वाला दिख रहा है यार ये देखो। और ये जो ट्रेन है ना सरंजीवी, ये अभी यहाँ पहुँची है, कल सुबह 8 बजे खुलेगी, फिर 8:30 शायद खुलेगी। और फिर ऊपर देखो सारे लोग, मेरे को लगा था 2 प्लेटफॉर्म होगा, 3 प्लेटफॉर्म है, 1, 2 और उधर 3। आ जा भाई, 1 नंबर पे ये लगा हुआ है, 2 नंबर ये है, और फिर 3 नंबर वो है। भाई अपन लोग नीचे ही जा रहे हैं यार। ओ भाई ये देखो, तो सरंजी भी आई और फिर अपना यार्ड में जा रही है धोलने के लिए, क्योंकि कल सुबह ना 8:30 इसका टाइमिंग है राजगीर से, तो राजगीर से खुलेगी। ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म है और फिर ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म है। इस पे कौन सा ट्रेन है, दानापुर, जो शाम में खुलेगी शायद, यही है इंटरसिटी। सो ये वाली ना शाम में 5 बजे 4:50 या फिर 4:30 के आसपास खुलती है, बिहार शरीफ में 5:10 में जाती है वाली ट्रेन। और भाई पूरा एकदम ओपन है यार सारा कुछ, देख रहे हो उधर भी एक पटरी है, 4 पटरी है भाई, 4 स्टेशन है, मतलब बोल सकते हो स्टेशन नहीं सॉरी गलती हो गई भाई, तो टोटल 4 प्लेटफॉर्म है, एक वो वाली फर्स्ट, ये वाली सेकंड, ये वाली थर्ड और उधर वाली फोर्थ, क्योंकि उधर भी लाइन देख रहा है, उधर लाइन उधर भी है। हालांकि मेरे से ख्याल से उस पे सिर्फ मालगाड़ियाँ आती होगी, क्योंकि उधर कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं, सिर्फ ऐसे ही खुला हुआ है लाइक ट्रेन पास होने वाली। तो देख रहे हो कुछ ऐसा ऐसा भाई बैठने वाला बना हुआ है, कहीं कहीं बना हुआ है, ये देखो हर जगह ऐसा ऐसा बना हुआ है ताकि धूप से बच के बैठने वाला। और फिर ये अपना ट्रेन, और फिर सिर्फ उधर ही कवर किया हुआ है, बाकी कुछ खास नहीं है, बट हाँ सही है यार स्टेशन सही है, क्योंकि मेन तो वही फर्स्ट नंबर प्लेटफॉर्म ही है ना, तो उधर से सारे लोग उतरते हैं और सारे लोग उधर ही चले जाते हैं स्टेशन से बाहर। और फिर उधर देखो ना तो उधर काम हो रहा है,
और उधर के साइड ना, बाहर के साइड ना सारा कुछ घेरा हुआ आगे से, तो उधर अंदर जाने का कोई रास्ता है ही नहीं, तो शायद साइड से ही एंट्री दिया हुआ है। तो साइड से अभी लोग आ रहे हैं, कुछ काम चल रहा होगा इसी कारण से। तो अपन लोग टिकट कहाँ पे मिलती है वो भी नहीं दिखा पा रहे हैं, बट अभी अपन लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी से देख ले कहाँ से टिकट मिलती है जो। सुबह काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं यार, प्यास काफ़ी ज़्यादा लग चुका है अपने को। स्टेशन में तो आ गया लेकिन प्यास काफ़ी ज़्यादा लग चुका है अपने को। तो भाई देखो यार, अभी अपना फ़ोन इतना ज़्यादा गर्म हो चुका था ना कि बता नहीं सकते। तो अपन लोग ये वाला इससे निकाल दिए, लाइक इसको कवाड़ दिए और फिर अंदर सारा साफ कर दिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था। बट अभी अपन लोग इसको फिर से चिपका दिए, तो हम तो भाई मैकेनिक बन चुके हैं अपना फ़ोन का हेल्थ के लिए भाई, क्योंकि इसको भी फीवर आ गया था फ़ोन को, इतना ज़्यादा गर्म हो चुका था। और फिर कैमरा ऑटोमेटिक सा टाइमिंग ले लिया था बंद होने का, तो बंद होता उससे पहले अपन लोग बंद कर दिए फ़ोन को और फिर अभी चालू किए, तो अभी थोड़ा बहुत ठंडा हो चुका। और अभी अपन लोग रेलवे स्टेशन पे ही हैं और सरन जी भी अपना यार्ड में जा चुकी है, यहाँ से स्टेशन से निकल चुकी है। और देखो सामने के साइड वो वेटिंग हॉल है, वो वाली दिख रही है ना, ये देखो ये वाली वेटिंग हॉल है। और उस तरफ और भी कुछ है, मेरे को उतना कुछ पता नहीं चल रहा, शौचालय और भी उधर, मतलब इधर बस जो भी है ना सारा कुछ मेन चीज़ इतना ही दूर में है, टोटल जितना दिख रहा है ना उतना ही है। और उधर के साइड तो भाई यार्ड है, प्लस वो देखो उधर क्या क्या है, वही सारा पैसेंजर्स लोग का बैठने वाला है। और सामान उतरा था ना जो भी सरंजीवी से दूर से आया था, वही वाली उतरा है। और फिर वो सरंजीवी को देखो दिख रहा है, वही वाली सरंजीवी का सबसे पीछे वाला हिस्सा है, तो वो अभी धुलने के लिए जा चुका है क्योंकि कल 8:30 बजे सुबह खुलेगी यहाँ से। और फिर ये कुछ स्टेशन है भाई, बस यही कुछ स्टेशन है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और फिर इधर के साइड से देखो ना, तो सामने के साइड माउंटेन का व्यू काफ़ी मस्त लगता है यार, मतलब स्टेशन प्लस पहाड़ भाई कितना अच्छा कॉम्बिनेशन दिया मस्त वाला। और फिर ये क्रॉसिंग है, ओवर ब्रिज है इधर से उधर होने वाला, भाई मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है अभी, देख रहे हो। और स्टेशन से देखो पहाड़ का व्यू यार, मतलब प्यारा, बहुत ही प्यारा लग रहा है। फोटोज अगर लोगे ना तो काफ़ी, थोड़ा सा मौसम अच्छा रहता ना, धूप इतना नहीं रहता ना, तो काफ़ी डिसेंट वाला लुक आता, काफ़ी मस्त वाला लुक आता इसका बोला। और फिर मौसम देखो यार क्या ही मस्त वाला हो गया, देखो धूप गायब आई, मतलब अपना बात में मैजिक है यार, काफ़ी मस्त वाला। देखो अभी का सीन कितना मस्त लग रहा है, राजगीर भाई, मतलब राजगीर खुद में ही एक मस्त वाला जगह लग रहा है यार। और फिर उधर अभी सेख है, और इधर देखो भाई उधर नैनो ऐसे ही पड़ा हुआ है, नैनो कार। इधर देखो रेलवे स्टेशन का व्यू काफ़ी प्यारा सा लग रहा है, अभी मौसम मस्त हुआ, रेलवे स्टेशन का व्यू देखो और इधर पहाड़ का व्यू देखो, इधर सूरज का किरण नहीं है यहाँ पे, और पहाड़ पे देखो कितना मस्त वाला किरण है। तो अपन लोग राजगीर पहाड़ का भी वीडियो लाने के लिए सोच रहेगा, बट इससे पहले अपन लोग ना सिलाव वाला वीडियो लाएंगे, खाजा वाला, उसके बाद अपन लोग कहीं और का वीडियो लाएंगे, क्योंकि इसके पहले ही अपन लोग जस्ट स्टेशन आने से पहले ही आप लोग को मैंने बोला था, तो वो वाली वीडियो लाना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा, तो आप लोग के लिए ज़रूर लाएंगे जो वाली वीडियो। तो गाइज बस यही कुछ था अपना राजगीर का रेलवे स्टेशन में, उतना खास मतलब भायर स्टेशन खुद में एक खास होती है, स्टेशन जहाँ पे होती है ना वो एरिया खुद में एक खास जगह हो जाती है गाइज। तो स्टेशन है तो भाई जगह भी काफ़ी खास है, और ऐसा जगह स्टेशन है ना लाइक पहाड़ी एरिया में ना, तो ये लुक भी काफ़ी भयानक सा देता है। लाइक थोड़ा सा धूप कम रहता ना, थोड़ा सा मौसम चेंजिंग रहता ना, उसके बाद यहाँ का व्यू देखते ना तो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट, काफ़ी ज़्यादा प्यारा व्यू आता। बट अभी बहुत ज़्यादा धूप है और फिर अपने को भाई प्यास बहुत ही ज़ोर की लगी, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है और फिर प्यास तो लगेगी, जाहिर सी बात है। तो बस आप लोग को स्टेशन दिखा दिए, बस यही कुछ स्टेशन था। सरंजीवी का वक्त था तो सरंजीवी आई थी और निकल चुकी अपना यार्ड में, क्योंकि वहाँ धुलेगी आराम से ट्रेन और फिर कल सुबह 8:30 बजे खुलेगी। तो अभी अपन लोग सोच रहे हैं कि आप लोग को सारा कुछ दिखा दिए, तो यहाँ से वीडियो को यहाँ पे अपन लोग एंड करें। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहना। तो बाय बाय, और फिर अभिषेक है तो बाय बाय, और प्लीज़ शेयर जरूर करना वीडियो को, जितना हो सके उतना अपनी फ्रेंड में शेयर कर देना गाइस, क्योंकि 2K के काफ़ी करीब है, सिर्फ और सिर्फ अपने को 400 और चाहिए 2K होने में। तो भाई जल्दी से यार कर दो यार 400 और, तो 2K अपना फैमिली कंप्लीट हो जाएगा, हम भी खुश, आप भी खुश, सारा कोई खुश। तो जल्दी से कर दो, और क्या बोलता है अभिषेक, जल्दी से कर दो। यस भाई जल्दी से शेयर कर देना यार जितना हो सके, और सब्सक्राइब करवाना सारे लोग को, क्योंकि अपना जो भी ज़्यादातर वीडियो दिख रहा है ना वो अनसब्सक्राइबर, जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है ना वही ज़्यादातर ये वीडियो देख रहा है। तो प्लीज़ यार अगर वीडियो को देख रहे हो ना यहाँ तक, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को गाइस, वीडियो को शेयर कर देना,
सो बाय बाय, जय श्री राम गाइज, बाय बाय। देखो मेन गेट था, ये वाली मेन गेट बंद है भाई। इधर बुकिंग ऑफिस है, टिकट का बुकिंग ऑफिस, और फिर इधर एसी और स्लीपर वाला है भाई, तत्काल टिकट कटने वाला जगह, और फिर यहाँ से टिकट लिया जाता है, प्लेटफॉर्म या फिर कोई भी टिकट हो वो वाली टिकट, और वापसी वाला भी है यही वाली। तो भाई इधर से देखो, आगे कुछ ऐसा वाला बन रहा था, मेरे को नहीं पता था क्या बन रहा था। देखो अभी मैं दिखा रहा हूँ ना, ये मेन गेट था, और फिर इधर देखो सारा कुछ कोड़ा के बन रहा है फिर से, वो देखो चारों तरफ से देख रहे हो पैक किया हुआ है, तो इसी कारण से इसको ब्लॉक किया हुआ था। अपन लोग साइड से एंट्री लिए थे, ये एंट्री का जगह था यार मस्त वाला, ये देखो। तो यही कुछ था और कुछ नहीं था यार, मतलब